नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अस्थमा यानी दमा की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो कल मैंने अस्थमा के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसका भी लिंक दे दूंगा। और आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन अस्थमा और दमा की बताने जा रहा हूं। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अस्थमा या दमा एक रिस्पायरेटरी ट्रैक मतलब श्वास नली की बीमारी है। इसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है और उसके कारण आप सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, और जब आप सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज आती है। और इसी बीमारी को हम अस्थमा बोलते हैं, और ये मोस्टली एलर्जिक होती है। और इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल मैंने उसमें दिया है। और उसी का ये सक्सेसर पार्ट टू बना रहा हूँ मैं। तो चलिए, इसमें सिर्फ मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो पहली जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो बहुत ही इफेक्टिव है अस्थमा के लिए, और पहली मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। ये आप देख लीजिए, मेरे पास बड़ी सीसी इसकी पड़ी रहती है, ब्लाटा ओरिएंटेलिस की। आप चाहे तो 100 ml की या 30 ml की ले लीजिएगा। आपको SBL या WSI या रैकबैक की आराम से किसी भी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये करती क्या है। तो अस्थमा में अगर बहुत ज़्यादा कफ हो और उसके साथ आपको सीटी जैसी आवाज़ आए और उसके साथ आपको ब्रोंकाइटिस भी हो, तो ये ब्लाटा ओरिएंटेलिस बहुत ही इफेक्टिव है। और अस्थमा के लिए ये सभी तरह के अस्थमा में बहुत ही इफेक्टिव है। इसको लेने से आपके सीटी जैसी आवाज़ आना बंद हो जाएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी और आप नॉर्मल वर्क कर पाएंगे। तो ये ब्लाटा ओरिएंटेलिस अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे रॉयल पिया बीपी के लिए बहुत इफेक्टिव है, वैसे ही ब्लाटा ओरिएंटेलिस अस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव। अब चलते हैं कि ब्लाटा ओरिएंटेलिस को लेना कैसे है। तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस को सिर्फ आप ढक्कन को खोल लीजिए और आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार आप लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको ब्लाटा ओरिएंटेलिस के मिल जाते हैं। अस्थमा के लिए काफ़ी अच्छे इफेक्टिव दवा है। चलिए अब दूसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं कि दूसरी कौन सी मेडिसिन है। तो दूसरी मेडिसिन है पोथोस। तो ये आप देख लीजिए, और ये पोथोस मदर टिंचर है। और पोथोस मदर टिंचर अगर आपको अस्थमा में नॉर्मली अस्थमा एलर्जी के कारण होता है, मतलब आपको डस्ट एलर्जी या इसको आप बोलते हैं एलर्जेंट, जब आपको अगर डस्ट में आप चले गए और एकदम से आपको सीटी जैसी आवाज़ आने लगी और एकदम से छींके आने लगी और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी, अस्थमा का आपको एक अटैक टाइप का आ गया, तो डस्ट एलर्जी के कारण होता है। और डस्ट एलर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक करती है पोथोस मदर टिंचर। ये देखिए, आपको पोथोस मदर टिंचर फिर से, इसको आप सिर्फ 30 ml फाइल में ले लीजिएगा और इतनी बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। पोथोस मदर टिंचर डस्ट एलर्जी, फ्यूम एलर्जी और आपको स्मेल एलर्जी से बहुत ही इफेक्टिवली ठीक करता है ये। तो इसको आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को और 10 बूंद रात को आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम या रात, ठीक है। पोथोस मदर टिंचर हो गया, ये एलर्जी के लिए है। और तीसरा मदर टिंचर है, तीसरा अर्क है, और ग्रैंडियला आर। तो ग्रैंडियला आर अगर आपको रात में बहुत ही इफेक्टिवली, रात में आपको दिक्कत होती है और सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो ग्रैंडियला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको सीटी जैसी आवाज़ आती है तो ग्रैंडियला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। अब मैं बताता हूँ कि मैं अस्थमा में कैसे देता हूँ मदर टीचर मिला के। तो मैं ब्लाटा ओरिएंटेलिस 60%, पोथोस 20% और ग्रैंडियला 20% सबको मिला देता हूँ, और उसके बाद 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देता हूँ। और ये कॉम्पोजिशन बहुत ही इफेक्टिव है अस्थमा के लिए। तो आप सिंपल सा ब्लाटा ओरिएंटेलिस 60% मिला लीजिएगा और बाकी 20-20% ग्रैंडियला और पोथोस मिला लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा एक अस्थमा का कॉम्बिनेशन बन जाता है, और मैं रेगुलरली 6 से 7 साल से वही यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत सारे पेशेंट्स अस्थमा के मैंने ठीक किए हैं इन मदर टिंचर से। तो चलिए दोस्तों, अब तो हो गई मदर टिंचर की बात, अब चलते हैं डाइल्यूशन। तो कौन से डाइल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर 30 बहुत ही इफेक्टिव है, और उसको सुबह सुबह 2 बूंद लेना चाहिए। सल्फर 30 को आप सुबह सुबह 2 बूंद सिर्फ एक बार ले लें, 7 दिन तक लें, और 7 दिन बाद फिर 1 दिन के लिए आप गैप करें, और फिर उसके बाद 7 दिन तक लें, फिर 1 दिन के लिए गैप करें, फिर 7 दिन तक लें। ऐसे करके आप सल्फर 30 सुबह सुबह आपको लेना है, 2 बूंद सिर्फ लेना है, और ये आपको क्या करेगी कि ये आपकी एलर्जी को ठीक करेगी और आपके इम्यून पावर को बढ़ाएगी, और अस्थमा में वीजिंग को बहुत ही इफेक्टिवली ठीक करती है। और खासकर जिनको हल्के गले में खुजली होने के बाद एकदम से सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, तो उनके लिए सल्फर बहुत ही इफेक्टिव है।
सल्फर 30 सुबह सुबह आपको 2 बूंद लेना है, 7 दिन तक लीजिए। 7 दिन बाद एक दिन के लिए आप गैप करके फिर उसके बाद 7 दिन तक लीजिए। अब दूसरी मेडिसिन है इपीकॉक, तो इपीकॉक शायद सामने ही रखी है मेरे, और ये है इपीकॉक 30। और इपीकॉक 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इपीकॉक 30। और न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व में एक्ट करती है और स्पाज्मोडिक इफेक्ट करती है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है बॉडी में जिसमें इसका एक्शन होता है, वहां पर जाके एक्ट करती है और वहां पर जाके करेगी क्या कि आपको स्पाज्मोडिक इन्फेक्शन होगा, मतलब आपको कफ बाहर निकालेगी। तो अस्थमा में क्या होता है कि ब्रोंकस में कफ जम जाता है हल्का सा, तो उसको बाहर निकालने में बहुत ही इफेक्टिव है। और वीजिंग के लिए, सीटी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है इपीकॉक 30, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इपीकॉक 30 के आपको मिलते हैं। और 2-2 बूंद इसको भी दिन में 3 बार लेना है। और अगर आपको उल्टी जैसी लगती है तो इपीकॉक 30 बहुत ही रिजल्ट है उसका, और उल्टी में भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो एक और बता दिया हूँ कि अगर आपको उल्टी वगैरह हो इपीकॉक 30 आप ले सकते हैं, बहुत जल्दी आपका उल्टी ठीक हो जाती है। तो इपीकॉक 30 हो गया। अब एक और मेडिसिन बची हुई है एरेलिया रेसिमोसा 30। तो एरेलिया रेसिमोसा 30 अगर आपको रात में लेटते समय अस्थमा का बहुत ज़्यादा आपको सांस लेने में दिक्कत हो और आपको सीटी जैसी आवाज़ आने लगे और कफ निकलने लगे, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा 30 अगर रात में लेटते समय हो। तो रात में अगर लेटते समय ऐसा होता है तो आपको अस्थमा में एरेलिया रेसिमोसा 30 देना चाहिए। 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रात के लिए ये एरेलिया रेसिमोसा 30। और इपीकॉक 30 तो आप रेगुलरली लीजिए, इपीकॉक 30 इसके साथ लीजिए। अब चलते हैं एक और मेडिसिन की तरफ, बायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर। तो ये अस्थमा के लिए बायो कॉम्बिनेशन है और ये एक आप जो भी मेडिसिन मैंने बताई है उसके साथ आपको लेना ही लेना है बायो कॉम्बिनेशन, और ये आपके अस्थमा के कंप्लेन को जड़ से ठीक कर देगा विद इन 6 मंथ्स। तो बायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर आपको, 2 नंबर बायो कॉम्बिनेशन 2, दो उसको आप 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। 4-4 गोली दिन में 3 बार नॉर्मली ऐसे 4 गोली लीजिए और चूसना है सिर्फ, और चूस के बस खत्म। या सुबह दोपहर शाम 3 बार आप चूसिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये सब। तो दोस्तों अब चलते हैं कि मैं क्या प्रिस्क्राइब करता हूँ अस्थमा में, मैं पेशेंट्स को क्या क्या दवा देता हूँ अस्थमा में। तो मैं देता हूँ, सबसे पहले मदर टिंचर की बात कर देता हूँ। तो मदर टिंचर मैंने बताया है कि मैंने ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ग्राइंडिएला और पोथोस तीनों मिला के मैं 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देता हूँ, और साथ में बायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर 4-4 गोली दिन में 3 बार देता हूँ। साथ में सुबह सुबह सल्फर देता हूँ, अगर सल्फर से पेशेंट को दिक्कत होती है तो उसको अल्टर करके कैल्केरिया कार्ब 30 देता हूँ। तो अगर आपको सल्फर से दिक्कत होगी तो आप फिर कैल्केरिया कार्ब 30 2 बूंद सुबह ले लीजिएगा। अगर आप मोटे हैं और थोड़ा सा आपका थुलथुला शरीर है तो आपको कैल्केरिया कार्ब 200 लेना चाहिए या 30 लेना चाहिए सुबह सुबह। अगर आप पतले दुबले हैं तो फिर सल्फर 30 आपको इफेक्टिव रहेगी। तो आप देख लीजिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आप कैसे दिखते हैं, तो उस हिसाब से आप कैल्केरिया का या सल्फर ले लीजिएगा। फिर एक मेडिसिन मैं देता हूँ साथ में इपीकॉक 30, और वो 2-2 बूंद दिन में 3 बार देता हूँ, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और साथ में एरेलिया रेसिमोसा 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार देता हूँ। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सल्फर 30 या कैल्केरिया का 30 सुबह सुबह 2 बूंद, फिर उसके बाद ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ग्रैंडियला और पोथोस मदर टिंचर मिला के 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और फिर बायो कॉम्बिनेशन 4-4 गोली दिन में 3 बार, फिर उसके बाद इपीकॉक 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार, और फिर उसके बाद एरेलिया रेसिमोसा 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार। तो ये सब मेडिसिन मोस्टली मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो आप दोस्तों ये मेडिसिन लेके देखिएगा, आपको आराम लगेगा, और सभी मेडिसिन आपको सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है। तो आप जाके अपने आसपास जो भी आपको होम्योपैथिक क्लिनिक या शॉप मिले वहाँ से ये मेडिसिन ले सकते हैं। मेरा प्रिस्क्रिप्शन मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से लिख दूंगा, तो वहाँ से आप लिख के और उसके बाद जाके और प्रॉपर तरीके से शॉप से ले सकते हैं वो सब मेडिसिन। तो वीडियो आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और दवाइयाँ जो है वो अच्छे से शॉप से ले लीजिएगा अगर आपको अस्थमा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको दबा दीजिए। और अगर पहली बार आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और एक बगल में बेल आइकन है तो बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा तो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को तुरंत देख सकेंगे अगर आप उस बेल आइकन को दबा देंगे दोस्तों।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और बस अस्थमा है तो आप ये मेडिसिन लेके जरूर देखिएगा।